आप हम लोग जितना इस शरीर से जुड़े हुए होते हैं ना, उतना ये शरीर हमको सुखी दुखी करता रहता है, और जितना हम इस शरीर से परे हो जाते हैं उतना हमारा जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है। आप देखो नारियल होता है ना, नारियल होता है ना, नारियल यदि कच्चा है तो उस नारियल को आप फोड़ो तो वो पूरा अंदर से टूट जाता है, ठीक है, और वही नारियल जब पक जाता है तो अंदर उसकी गरी हो जाती है। आप बाहर के नारियल को तोड़ो तो बाहर का खोल टूट जाता है, लेकिन अंदर का नारियल उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस यही हाल उस भगवत भक्त का है, पके हुए भगवत भक्त का है, कि वो फिर शरीर से नहीं जुड़ा होता है, वो शरीर से कुछ अलग हो जाता है। शरीर भले टूट जाए, शरीर भले फट जाए, शरीर में भले दुख हो, लेकिन वो ऐसा इस शरीर से अलग हो जाता है परमात्मा के ध्यान में कि उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है।